हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 15 मई के करंट अफेयर करने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो पहले अपन करंट अफेयर करेंगे, फिर बैंकिंग अवेयरनेस करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास में एक बार एड हो, आप क्लास देखो पूरी, आपको मजा आएगा। करंट अफेयर की बहुत सारी चीजें याद होगी जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप आरआरबी पी आरआरबी क्लर्क के लिए जा रहे हो तो 1 मई से करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तभी जाके आपका सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल होगा, जीए का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। अभी तक की मैंने सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस पे मैंने सेंड कर दी, वीकली करंट अफेयर की भी। तो आप वीकली करंट अफेयर अगर कोई पढ़ना चाहे तो वीकली करंट अफेयर भी देख सकता है डायरेक्ट। ठीक है, और डेली टू डू लिस्ट भी मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। स्टार्ट करने से पहले ही मैं होमवर्क का क्वेश्चन दे देता हूँ, ताकि कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि आरबीआई ने अभी बोला है कि जो सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई ने ना ऑक्शन किया था, फाइनेंशियल ईयर 24 में, वो कितने अमाउंट का किया था। ठीक है, कितने अमाउंट का किया था ये बताना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्लाइमर कामी रीटा शेरपा क्लाइम्स माउंट एवरेस्ट फॉर 29 टाइम, ही इज फ्रॉम विच कंट्री। जो क्लाइमर है कामी रीटा शेरपा, इन्होंने 29 टाइम माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर लिया है, तो ये कौन सी कंट्री से है? ये नेपाल से है, सभी को पता है। ठीक है, और अब बात करें अपन रिसेंटली ओमान न्यूज में क्यों था, पहले तो नेपाल न्यूज में क्यों था ये देख लेते हैं। क्योंकि इंडिया ने अभी ऑडिटिंग के रेस्पॉन्स में, ऑडिटिंग को इंक्रीज करने के लिए इंडिया ने नेपाल के साथ एमओयू किया है, इंडिया ने ओमान के साथ भी एमओयू किया है, टू रिसर्च ऑन शार्क, शार्क के ऊपर रिसर्च करने के लिए एंड रेज इन अरेबियन सी। क्लियर हो गया, अरेबियन सी में जो रेज आ रही है प्लस शार्क है, उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए इंडिया ने नेपाल के साथ, इंडिया ने ओमान के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, अब आइसलैंड न्यूज में क्यों था, क्योंकि आइसलैंड ने अभी कोई वर्ल्ड का पहला लॉन्च किया है, डीएसी लॉन्च किया है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर लॉन्च किया है, डायरेक्ट एयर कैप्चर, उसका नाम है मोमोथ, डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट लॉन्च किया है आइसलैंड ने, उसका नाम है ममोथ। कौन सी कंपनी ने किया है, वो किया है क्लाइम वर्क्स ने। क्लाइम वर्क्स कहाँ की कंपनी है, ये स्विट्जरलैंड की है, स्विस कंपनी है। ठीक है, तो एक बार वापस देख लेते हैं। देखो, इंडिया ने ओमान के साथ एमओयू किया है टू रिसर्च ऑन शार्क एंड रेज इन अरेबियन सी। ठीक है, इंडिया और आइसलैंड अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि उसने वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट लगाया है, उसका नाम है ममोथ। कौन सी कंपनी ने लगाया है, क्लाइम वर्क्स ने। ठीक है, और अभी मोल्डोवा न्यूज में क्यों था, मोल्डोवा क्योंकि इसने क्या किया है, एमओयू किया है इंडिया के साथ फॉर वीजा वेवर ऑन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, वीजा को वेव किया है डिप्लोमेटिक जो भी पासपोर्ट होंगे उनके लिए इंडिया से। ठीक है, याद हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर टू, एक सेकेंड, हु विल इंस्टॉल द छत्तीसगढ़ फर्स्ट 15 MW फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन इट्स मरोड़ा वन रिजर्वोयर इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में 15 MW का छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, तो ये लगा रही भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट द छत्तीसगढ़ बेस्ड आर्म ऑफ द स्टेट रन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सेल की ही स्टेट रन आर्म है भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, एनटीपीसी और सेल का जॉइंट वेंचर है, 50-50 वो दोनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा न्यूज में क्यों था, क्योंकि इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर के साथ एमओयू करके इन्होंने लॉन्च किया था ड्रोन दीदी योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रोन दीदी योजना लॉन्च किया टू एम्पावर वुमेन, वुमेन को एम्पावर करने के लिए ड्रोन दीदी योजना किसने लॉन्च किया है, महिंद्रा महिंद्रा ने एमएसडीई के साथ मिलकर। ठीक है, जीनियस बॉक्स को भी ऑनर्ड किया है बीएस के द्वारा फॉर क्वालिटी एंड ब्रांडिंग एक्सीलेंस, क्वालिटी अच्छी मेंटेन की है, क्वालिटी एंड ब्रांडिंग एक्सीलेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जेएसडब्ल्यू ग्रुप न्यूज में क्यों था, जिंदल स्टील क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड ने इनके साथ एमओयू किया है ताकि इंडिजिनस जो स्टील है वो यूज हो शिप बिल्डिंग में, शिप के कंस्ट्रक्शन में इंडिजिनस जो स्टील है वही यूज हो, बस मेन पर्पज यही था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने भी 30 सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती है? ठीक है, तो वो जीती है जापान ने पाकिस्तान को हराया फाइनल के अंदर। ओके, और ये हुआ कहाँ है? ये हुआ अजलान शाह स्टेडियम है इपो मलेशिया के अंदर। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। अब बात करें फ्रांस न्यूज में क्यों था। इंडिया और फ्रांस ने अभी आपस में 7th टाइम शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट की है, मिलिट्री एक्सरसाइज, और ये की है उमरोई मिलिट्री स्टेशन पे मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया और ओमान ने अभी वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एमओयू किया था ऑन रिसर्च ऑन शार्क, रिसर्च ऑन शार्क एंड रेज इन अरेबियन सी, रेज इन अरेबियन सी। ठीक है, अब चड़ो न्यूज में क्यों था, क्योंकि चड़ के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं, न्यू प्रेसिडेंट, उनका नाम है मनामत महमद, सॉरी मोहम्मद इद्रिस डेबी, मोहम्मद इद्रिस डेबी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी सुरजीत पाटर जी 5 दबे हो गए हैं, इनका देहांत हो गया है, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? और ये पोइट से, तो ये बिलोंग करते हैं पंजाब से। ठीक है, और कल ही अपन ने एक और ओबिचुरी पढ़ी थी, उसमें भी था सलमान बिन रज्जा, इनका भी देहांत हो गया है। ये क्या था, ये थे स्टोरी राइटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। विच इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस्ड इंडिया फर्स्ट लोइटरिंग एरियल म्यूनिशन फॉर आर्म फोर्सेस? लोइटरिंग एरियल म्यूनिशन कौन बना रहा है आर्म फोर्सेस के लिए? तो इसका आंसर है कैडेट डिफेंस सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन है ये, कैडेट डिफेंस सिस्टम बना रहा है। ठीक है, कैडेट डिफेंस सिस्टम हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट पायनियरिंग लोइटरिंग एरियल मिशन म्यूनिशन फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, इट वॉज क्रिएटेड यूजिंग ए वन ऑफ वे काइंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन पार्टनर मॉडल इन कोलेबोरेशन विथ डीआरडीओ, डीआरडीओ के साथ मिलकर बना रहे हैं, बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, अभी बजाज ऑटो न्यूज में क्यों था, क्योंकि बजाज ऑटो वर्ल्ड का पहला सीएनजी पावर्ड बाइक लॉन्च करने वाला, सीएनजी पावर्ड बाइक लॉन्च करने वाला है। हिंडाल्को न्यूज में क्यों था, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड ने हिंडाल्को के साथ भी एमओयू किया है, ताकि इंडिजिनस जो एल्यूमिनियम है वो यूज हो शिप बिल्डिंग में, जो जेएसडब्ल्यू के साथ किया था वही किया है। ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ श्रीलंका ने 20 ईयर का पावर परचेज एग्रीमेंट किया है, पावर परचेज एग्रीमेंट किया है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हु अनवील्ड द थर्ड मेजर वर्जन ऑफ इट्स अल्फा फोल्ड एआई मॉडल डिजाइन टू हेल्प साइंटिस्ट टू डिजाइन ड्रग्स एंड टारगेट डिजीज मोर इफेक्टिवली? तो अल्फा फोल्ड अभी किसने अनवील किया है, तो ये गूगल डीप माइंड का अल्फा फोल्ड। ठीक है, और अब बात करें अपन सौम्या स्वामीनाथन जी, अभी रिसेंटली न्यूज में रहते हैं, क्योंकि उनको मैकगिल यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया था, डॉक्टरेट की उपाधि से ऑनर किया था, तो सौम्या स्वामीनाथन को किया था, सौम्या स्वामीनाथन। और ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है, तो ये कनाडा की यूनिवर्सिटी है, भी याद रखना आप। ठीक है, अभी साहित्य एकेडमी फेलोशिप अवार्ड किसको दिया, साहित्य एकेडमी एकेडमी बिल्कुल स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, साहित्य एकेडमी फेलोशिप अवार्ड ये दिया रस्किन बॉन्ड का, रस्किन बॉन्ड को। ठीक है, बहुत सारी बुक है रस्किन बॉन्ड की, तो अपने बहुत बार पढ़ी है। अभी सेतु न्यूज में क्यों था, सेतु सेतु ने सी सेम लॉन्च किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इंडिया का पहला फर्स्ट BFSI सेक्टर, बैंकिंग फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर पे के ऊपर फोकस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसका नाम है सी सेम। ठीक है, याद रखना है सारी चीजें। नेक्स्ट चलते हैं कुछ, किसको भी रिसेंटली टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का नया चेयरमैन बनाया है, तो वो है अन चंद्रशेखरन जी को, इन्होंने रिप्लेस किया है बनमानी अग्रवाल को। ठीक है, अभी बात करें दिलीप सिंघानी, दिलीप सिंघानी क्या थे, ये इफको के क्या बने हैं, ये भी रिसेंटली इफको के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, बालवीर सिंह क्या बने, ये वाइस चेयरमैन बने हैं इफको के,
इफको, ठीक है। अब बात करें विवेक जोशी जी, क्या है, इन्होंने एक मीटिंग को शेयर की है, जो भी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी एक मीटिंग हुई थी, स्टेट ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंक्स। और ये 12 पब्लिक सेक्टर बैंक आए थे, उसको चेयर की थी विवेक जोशी जी ने, ठीक है, याद रहेगा इतना। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। अभी रिसेंटली चेयरपर्सन कौन बने थे नब के, नब के चेयरपर्सन कौन बने, वो बने हैं रजवान कोयटा, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया है महेश वर्मा को। नब क्या, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है। अब दूसरी, मिखेल मिशुटिन क्या बने हैं, ये प्राइम मिनिस्टर है रशिया के, व्लादिमीर पुतिन ने ही इनको अपॉइंट किया है, ठीक है। अब बात करें इदा शिशा नोनग्रेन क्या है, ये है मेघालय की फर्स्ट वुमेन DGP, मेघालय फर्स्ट वुमेन DGP, ठीक है। संजय बालाजी क्या है, ये चीफ ऑफ पर्सोनल ऑफ इंडियन नेवी, चीफ ऑफ पर्सोनल ऑफ इंडियन नेवी। एक क्वेश्चन और मैं होमवर्क में पूछ रहा हूँ आपको, अभी इंडियन नेवी के दिनेश के त्रिपाठी जी नए चीफ बने, नेवी चीफ दिनेश के त्रिपाठी जी चीफ बने हैं, ठीक है। ये कौन से नंबर के बने हैं, कौन से नंबर के बने हैं, ठीक है, बस इतना सा कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू एस्टेब्लिश ए पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी विद द ओवर आर्किंग एम ऑफ फाइंडिंग ए फेयर एंड इंक्लूसिव सोल्यूशन टू द परवेसिव नागा पॉलिटिकल इशू। अगर पॉलिटिकल इशू के लिए किसने भी पॉलिटिकल अफेयर कमिटी एस्टेब्लिश करने की डिमांड की है, तो आंसर है नागालैंड। ऑब्वियसली नाग से पता चल रहा है, आइडिया हो गया होगा आपको, ठीक है। अभी न्यू दिल्ली न्यूज में क्यों था, क्योंकि इसने एक ऑर्गेनाइज किया है परिवर्तन चिंतन टू, परिवर्तन चिंतन टू, ये किसके लिए थी, ये जितनी भी आर्म फोर्सेस है अपने इंडिया की आर्म फोर्सेस है तीनों, उनको इंटीग्रेट और ज्वाइन करने के लिए थी, बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। पंजाब न्यूज में क्यों था, पंजाब में भी गगन स्ट्राइक एक्सरसाइज हुई है, गगन स्ट्राइक टू, इंडियन एयरफोर्स प्लस इंडियन आर्मी ने मिलकर की है, इंडियन आर्मी की खरगा कोर्प्स सी प्लस इंडियन एयरफोर्स ने भी बॉम्बी बकेट ऑपरेशन भी किया है, बॉम्बी बकेट ऑपरेशन नैनीताल में फायर को कंट्रोल करने के लिए, फायर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। MI-17V5 को वहां डिप्लॉय किया था, अच्छे से रिवाइज हो रही है देखो न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्रिकेटर जेम्स एंडरसन अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है इन्होंने। इन्होंने बोला है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सीरीज होगी अगले महीने, उसका पहला टेस्ट के बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री से है, ये इंग्लैंड से है, ठीक है। अभी रिसेंटली और किसने रिटायरमेंट लिया है, तो कोलिन मनरो है, ये भी ऑलराउंडर है, ये न्यूजीलैंड के थे, ठीक है, और ये फास्ट बॉलर है, ये भी पूछ सकते हैं कि ये क्या है बैट्समैन है फास्ट। जेम्स एंडरसन तो फास्ट बॉलर थे, कोलिन मनरो ऑलराउंडर थे, ठीक है। और अभी एक वेस्ट इंडीज के प्लेयर है डेवोन थॉमस, डेवोन थॉमस पे वाडा ने, वाडा नहीं सॉरी ICC ने बैन लगाया है इन पे, ठीक है, वाडा ने लगाया, ICC ने बैन लगाया है इन पे। डेवोन थॉमस है वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर, वेस्ट इंडीज USA में 2024 का T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है। और अभी नाडा ने एक स्टार्ट किया था कैंपेन, #PlayTrue कैंपेन। तो आप लोग देख रहे हो किस टाइप से मैं करंट अफेयर को रिलेट कर रहा हूँ एक दूसरे से, तो ऐसे ही आपको भी याद करना है, जब भी आप नोट्स बना लो उसके बाद याद करो या PDF से रिवाइज करो, तो ऐसे ही याद करना है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग एनुअल $260 बिलियन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है टू स्टॉप टू हाल द एग्री फूड इमिशंस बाय 2030 एंड अचीव नेट जीरो बाय 2050, दिस रिपोर्ट रिलीज बाय, ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। तो देखो क्वेश्चन ये है कि जो एग्री फूड इमिशन हो रहा है उसको 2030 तक खत्म करने के लिए और नेट जीरो टारगेट 2050 तक अचीव करने के लिए हर साल $260 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो ये रिपोर्ट किसने बोला था, ये दी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग टॉप 10 जो इमिटर है वो रेस्पॉन्सिबल है 55% इमिशन के, ग्लोबल एग्री फूड जो इमिशन हो रहा है उसमें से 55% टॉप 10 कंट्री कर रही है, टॉप 10 इमिटर्स कर रहे हैं, और टॉप 20 कर रहे हैं 67%, ठीक है। टॉप 10 में चाइना, ब्राजील, इंडिया, USA, इंडोनेशिया, कॉन्गो, रशिया, कनाडा, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, ये सब है, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू पे। हु अनाउंस टू बिल्ड द फर्स्ट रेलवे सिस्टम ऑन मून। मून पे भी रेलवे सिस्टम बनाने की बात चल रही है, तो वो है नासा। ठीक है, नासा के अलावा कौन करेगा? तो नासा हैज अनवील्ड इट्स एम्बिशियस प्लान टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट लूनर रेलवे सिस्टम नोन एज फ्लोट फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक डिजाइन टू रिवोल्यूशनाइज पेलोड ट्रांसपोर्ट ऑन द मून। तो बस नाम क्या है उसका? फ्लोट। नाम याद रखना, पहला पहला जो रेलवे सिस्टम बन रहा है और कौन बना रहा है? नासा। फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक, नाम याद रखना जरूरी है। अब बात करें तो अभी एक कंपनी ने कैंडल वैक्स रॉकेट बनाया था। कैंडल वैक्स रॉकेट बनाया है, उसका नाम, कंपनी का नाम है हाई इम्पल्स। ठीक है, ये जर्मन की कंपनी है। ठीक है, और अब बात करें, उत्तराखंड अभी न्यूज में था क्योंकि उत्तराखंड ने भी एक स्कीम लॉन्च करी थी, दो स्कीम लॉन्च करी थी, पिरूल लाओ, सॉरी पिरूल लाओ एंड पैसे पाओ, ये स्कीम थी। प्लस उत्तराखंड ने एक और स्कीम लॉन्च करी थी, फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन। एस्ट्रो, इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन लॉन्च किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका नाम है नक्षत्र शबा, नक्षत्र शबा। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। किसने अभी 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे डिक्लेयर किया है? वर्ल्ड फुटबॉल डे तो फीफा ने किया, किसने किया है? तो आंसर है यूनाइटेड नेशन ही डिक्लेयर करता है। किसने, कौन सा? यूएस नहीं आएगा यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन आएगा, यूएन ने किया है। ठीक है, फॉर वर्ल्ड फुटबॉल डे। अभी यूरोपियन यूनियन न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि इन्होंने पहला लॉ बनाया, फर्स्ट लॉ टू टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन ने न्यू शेंजेन वीजा रूल भी अडॉप्ट किया था, न्यू शेंजेन वीजा रूल्स फॉर इंडियन ट्रेवलर्स, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडियन एआई प्लेटफॉर्म हनुमान लॉन्चेज इन हाउ मेनी लैंग्वेज। तो कितने लैंग्वेज में लॉन्च किया हनुमान को? वो 98 लैंग्वेज में किया है। ठीक है, 3i होल्डिंग लिमिटेड है जो अबू धाबी बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और एसएमएल इंडिया है, इन्होंने अनाउंस किया है हनुमान लॉन्च किया है, इंडिया होम ग्रोन मल्टीलिंगुअल जेएनएआई प्लेटफॉर्म इन 98 लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज सॉरी, उसमें से इंक्लूडिंग है 12 इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको, ये अबू धाबी बेस है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 पे। और हाँ, अभी 159 आ गया है, 159 आते आपको याद करना है क्या? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, इंडिया की रैंक थी 159 आउट ऑफ 180, लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 160। ओके, नंबर वन पे है नॉर्वे, नंबर टू पे डेनमार्क, नंबर थ्री पे स्वीडन। ठीक है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मैं क्या करूंगा, अभी अभी जैसे अपन पढ़ते जा रहे हैं, जैसे अभी 3 महीने का करंट अफेयर हो गया तो फिर मैं एक साथ सारे इंडेक्स करवा दूंगा, एक साथ अपॉइंटमेंट करवा दूंगा, बहुत सारी चीजें एमओयू एक साथ करवा दूंगा। बट डिमांड क्या है, आप लोग थोड़ा तो सपोर्ट करो यार, कितनी अच्छी अच्छी क्लासेस मैं डाल रहा हूँ, बट अब देख रहे हो 100 व्यूज भी नहीं आ रहे। यही अगर मैं कोई सैलरी स्लिप डालूंगा तो उस पर व्यूज आएंगे, बट यही है दुनिया का सच। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 24 विथ 118.4 बिलियन डॉलर? तो ऑब्वियसली चाइना हो गया है, यूएस को पीछे छोड़ दिया है, यूएस सेकंड पे है 118.3 बिलियन डॉलर, थर्ड पे है यूएई 83.6 बिलियन डॉलर, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का, उसके बाद रशिया है 65.7 बिलियन डॉलर, फिर सऊदी अरबिया है, फिर सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसको भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है ऑफ मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के, तो वो बनाया बी सुदर्शन जी को। ठीक है, अभी दिलीप संघानी को क्या बनाया है? ये चेयरमैन है इफको के, इफको के चेयरमैन है। सौम्य स्वामीनाथन जी को अभी ऑनर्ड किया था डॉक्टरेट से, डॉक्टरेट की उपाधि से ऑनर्ड किया है बाई मैकगिल यूनिवर्सिटी, मैकगिल यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया में पहली यूनिवर्सिटी है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एमबीए प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अभी एक मीटिंग हुई है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक कहाँ हुई है। मेमोरी फॉर द एशिया पैसिफिक एंड द मेमोरी सॉरी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी, एक वर्ल्ड कमिटी है फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ये मीटिंग कहाँ हुई है। ठीक है, तो ये हुई उलन बतुर, मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 18, अभी कौन सी कंपनी के CMD है हेमंत खत्री, उनको ऑनर किया PSU समर्पण अवार्ड। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD हेमंत खत्री, उनको PSU समर्पण अवार्ड दिया है। ठीक है, अब चलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। बैंकिंग अवेयरनेस, अभी रिसेंटली श्रीराम फाइनेंस ने अप्रूव किया सेल ऑफ इट्स हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस टू विच कंपनी फॉर 4630 करोड़। तो श्रीराम फाइनेंस की हाउसिंग की एक सब्सिडरी है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस, उसको कौन सी कंपनी खरीदेगी, ये बेच रहे हैं तो वो खरीदेगी वारबर्ग पिनकस, ये USA की कंपनी है न्यूयॉर्क बेस्ड। ठीक है, 4630 करोड़ में। ठीक है, बात करें इंडिया का पहला बैंक कौन सा है, पहला बैंक टू अटेंड ट्रेडिंग क्लब, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर एट इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, तो आंसर होगा इसका SBI। ठीक है, और अभी बात करें अपन सब्सिडरी की, बात हुई है तो REC लिमिटेड इसकी सब्सिडरी की सिटी में ओपन करेगी। ठीक है, और अभी सेबी ने अप्रूवल दे दिया है, सेबी ने अप्रूवल दिया है केयर रेटिंग को, केयर रेटिंग को, कि ये वर्क करेगी एज ए Category 1 ESG रेटिंग प्रोवाइडर, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रेटिंग प्रोवाइडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। RBI ने अलाउ किया है क्वांट म्यूचुअल फंड को टू हाइक इट्स स्टेक इन RBL बैंक टू हाउ मच परसेंट, तो वो 9.98% करने के लिए बोल दिया है, एग्रीमेंट एग्री कर दिया है RBI ने। ठीक है, और अभी हिंदुजा कैपिटल है, हिंदुजा कैपिटल है ये एक्वायर करने जा रहा है, हिंदुजा ग्रुप है सॉरी, हिंदुजा ग्रुप है ये एक्वायर करने जा रहा है रिलायंस कैपिटल को, रिलायंस कैपिटल को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं, अभी DBS बैंक ने क्या किया है, DBS बैंक ने वुमेन के लिए री इमेजिन कैंपेन लॉन्च किया, री इमेजिन एक प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर वुमेन्स। एरो मेथड से करंट अफेयर याद किया करो, एरो मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई न्यूज़ लिखी इधर आपने, फिर एरो बनाया, फिर यहाँ पे आपने न्यूज़ लिखी, तो एरो मेथड से आप याद करोगे तो भी अच्छे से याद होगा, बॉक्स प्लस एरो मेथड। विच एंटिटी रिलीज न्यू फंक्शनैलिटी इन एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर द टैक्स पेयर टू डिस्प्ले स्टेटस ऑफ इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन प्रोसेस इन रियल टाइम। तो ये लॉन्च किसने किया है टैक्स पेयर के लिए, तो ये किया CBDT ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। पब्लिक सेक्टर बैंक विल आइडेंटिफाई चैंपियन सेक्टर इन दियर बिजनेस प्लान टू एक्सपेंड देमसेल्फ, दिस इनिशिएटिव इज ए पार्ट ऑफ विच मिशन। जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है वो आइडेंटिफाई करेंगे चैंपियन सेक्टर को उनके बिजनेस प्लान में, ताकि वो अपने आप को एक्सपेंड कर पाए, तो ये जो इनिशिएटिव है ये पार्ट है विकसित भारत का। ठीक है, और अभी RBI ने एक AD एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं, उनका नाम है आर लक्ष्मीकांत राव, आर लक्ष्मीकांत राव। ठीक है, ये किसके लिए अपॉइंट किए, कौन सी सब्सिडरी को हेड करेंगे, तो वो है DICGC। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएं DICGC का हेडक्वार्टर कहाँ है और DICGC का मेन रोल क्या है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया सजेस्टेड लेटर टू टेक हाउ मेनी डेज टू रेस्पॉन्ड टू डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अबाउट 9 days 8%। तो देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, जो भी डेटर है उसको जो वो डिफॉल्ट हो रहा है, ठीक है डिफॉल्ट हुआ है, तो उसको कन्फर्म करने के लिए पहले वो 9 दिन लेता था कि ठीक है रेस्पॉन्ड करने के लिए, अब वो 21 दिन लेगा। ठीक है, दिन बढ़ा दिए हैं, 21 दिन लेगा। ठीक है,
ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गवर्नमेंट स्कीम में थोड़ा लेट ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा ज़्यादा शेयर करोगे तभी। और गवर्नमेंट स्कीम बहुत सारी है जो एग्जाम में आती है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।